भाई कॉम्बो कितनी है? अंकल आप थोड़ा पीछे जाओ ना, उनको लेने दो कॉम्बो, पार्सल देता मैं। थोड़ा मिर्चा दे देगा। हाँ, आपकी कितनी है भाई? उठाओ, एक दो तीन। पुष्पा आई थी, वो बोलता है मैं फायर हूँ, ठीक है, और अपन पुष्पा नहीं है, अपन सत्य फ्लावर है। अगर ये 30 रुपीज प्लेट में कोई देगा, उसके लिए वन प्लेट वन पर्सन वन ईयर फ्री। भैया दही बल्ले में या दही बड़े में भी जीरा भूंज के रखते हैं, काली मिर्च लौंग थोड़ा कलमी भूंज के रख दो, मसाला डब्बी में डाल दो। भैया मेरे दिल्ली में यही चलता है सबसे ज्यादा, ये मेरा सीक्रेट मसाला है। सीक्रेट मसाला है, मस्त बनाते हैं। टेस्ट पसंद नहीं है तो टेबल पे छोड़ के जाना। अच्छा। 50 रुपए के 100 अपन देंगे। गवर्नमेंट 14 साल में डबल करती है, अपन 14 मिनट में डबल करेंगे भाई। क्या बात। तो गाइस अभी हम लोग इंटरनेट के बहुत ही ज्यादा वायरल से जगह पर है, और अभी के टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये जगह। तो कहाँ है, क्या है, ये सारा कुछ जो है चल के आपको बताएंगे, और एड्रेस वगैरह वो भैया खुद बताएंगे, क्योंकि भैया खुद ही बहुत बात करते हैं, तो हम लोग को ज्यादा इंट्रो में टाइम वेस्ट करने की जरूरत। चलते हैं सीधे भैया से बात करते हैं, जो मेकिंग वेकिंग है वो स्टार्ट करवाते हैं, एड्रेस वो खुद बता देंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि नागपुर में हम लोग हैं, और इस जगह का कोई वैसा नाम नहीं, लोग भैया को जानते हैं इंडियाज मोस्ट ऑनेस्ट स्ट्रीट फूड वेंडर के नाम से। भैया अभी बन रहा है सोया चंक्स, ठीक है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं बनाता। सोया चाप बनता है दिल्ली में, और नागपुर में बनता है सोया चंक्स, ठीक है। दोनों वो न्यूट्रिला चूरे का बनता है, अपन न्यूट्रिला वड़ी का बनाते हैं, जिसमें 40% प्रोटीन है, ना मटन में, ना चिकन में, ना कोई दवाई में, ना एलोपैथिक में। अदरक लहसुन हरी मिर्ची शिमला मिर्ची ऑनियन ए बीटरूट गाजर। ये आइडिया कहाँ से आया भैया इस तरह? ये हमारे बड़े भाई साहब का कॉन्सेप्ट है भैया। अच्छा। जिनकी डेथ हो गई है, वो है, वो नहीं रहे, पर अभी है हमारे साथ ही। उन्होंने 5 रुपए से चालू किया था भैया। अभी क्या रेट है इसका? 5 रुपए 2000 में चालू करा था, आज 22 साल हो गए अपने को। पानीपुरी भी था अपना, पानीपुरी नेचुरल रहेगा। अच्छा। सम्बार मिर्ची पदीना हींग बस, बाकी कोई आइटम नहीं डलता। अभी लोग सैट्रिक एसिड केमिकल और ऐसे ऐसे फ्लेवर बना दिए जो निस्ता केमिकल है, बाकी कुछ नहीं है। आप कोई केमिकल नहीं डालते हैं? भैया हानिकारक ही ना, अपन खिला क्या रहे, वैसे भी नेचुरल चीज तो कुछ है नहीं, वेजिटेबल को छोड़ के बाकी तो सब केमिकल है। ये देखो है क्या, ये भैया वेनेगर, वेनेगर। अब ये बन रही है टमाटर प्यूरी की ग्रेवी है, मंचूरियन बनेगा। अच्छा। अब इसमें डल गया, ये चिंग्स कंपनी के मसाले है, मसाले कोई सीक्रेट नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है मेरे भाई। कोई सीक्रेट नहीं है, मसाले लेके आते मार्केट से, डब्बी में डाल दो और घर में बोल दो मेरे मसाले सीक्रेट है। इंडिया एक ऐसा देश है जो मसाले के लिए प्रसिद्ध है, एक्सपोर्ट करते अपन भाई, उससे उसके आगे है क्या लोग, ये बता दो। आगे नहीं देख सकते कितने तेजी में, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, सही बात है। झूठ बोल के काम नहीं करना मेरे भाई, जो है वो बताना। अभी ये मसाला मैं डालता हूँ, ये इसमें पैरी पैरी मैगी मसाला, पास्ता मसाला और पिज्जा मसाला, चार मसाले उसमें, सारा राज खोल दिया, कोई नहीं बताएगा। ये है 40% प्रोटीन, जिम वाले पोट्टो के लिए एक गिलास गाय का दूध, 2 केले और सोयाबीन की वड़ी सूखी वाली, हाँ ऐसी बना के नहीं खाना, नेचुरल चीज, बाकी तो सब केमिकल। ये क्या डाले भैया मसाले? अच्छा। इसमें नमक अजीना मोटो डाल दिया, चाइनीज नमक, शक्कर डाला हूँ, ये वाइट पेपर है। अच्छा, वाइट पेपर भी यूज करते हैं? हाँ, ब्लैक पेपर भी है, और ये मसाला है मैगी मसाला है। ये 10 रुपए किलो रहेगा तो भी जाएगा, 200 रहेगा तो भी, आज 200 है। धनिया पत्ता? हाँ, 200 रुपए किलो भी है आज का रेट है मेरे भाई। ये चिली हो गया, ये टमाटो केचप जाएगा, और महाराष्ट्र में लोग पीसी मिर्ची यूज करते हैं, मेरे शॉप पे पीसी मिर्ची मैंने आज तक यूज ही नहीं करा हूँ। अच्छा। ये जा रहा है चिली फ्लेक्स, तब से कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, और ये बनता है 5 मिनट में खत्म हो जाता है। ये डाला मैंने सिजवन चटनी होममेड, बाकी सब रेडीमेड है, और ये पिज्जा पास्ता सॉस जा रहा है। अच्छा, इसमें पिज्जा पास्ता सॉस जाता है चाइनीज डिश में? चाइनीज के इसमें, क्योंकि अपन सोया चंक बना रहे ना अभी, न्यूट्रिला वड़ी। और प्राइस क्या होता है इसका? ओनली 30 रुपीज। आज हमारे भाई साहब आया इधर, बता दीजिए, हैदराबाद से आया ये। अच्छा, बाइक से आया, बाइक पे एक्टिवा पे वीडियो शूट करने, इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान कभी आना नहीं चाहिए मैं तो बोलता हूँ, बस से आओ या ट्रेन से आओ मेरे भाई, टू व्हीलर से इतना लंबा सफर तय नहीं करना चाहिए। टाइमिंग क्या होता है भैया आपका? हाँ भैया, टाइमिंग 5 बजे से रात के 10 बजे, और एड्रेस है गड्डी गोदाम चौक, ओल्ड गणेश के बिल्कुल सामने, नियर बर्फ वाला।
अभी तो आप इतने वायरल हो गए कि एड्रेस बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कस्टमर खुद ही देख लेता गूगल पे, पूरे नागपुर में कहीं भी कोई पूछेगा तो आपके पास कोई कोई बता बिल्कुल पहुंचा देगा। रुक जा, इधर ही रख, ये कॉर्नफ्लावर जा रहा है, ये पिताजी हमारे। अच्छा अच्छा, अब ये टेस्टिंग के लिए जाएगी प्लेट। पहले तो ये वेजिटेबल है, ये हाका नूडल्स है, इतना वेजिटेबल हाका नूडल्स कोई नहीं डालता है भैया। टेस्टिंग कर लो पीछे भाई, इधर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, अंजुमन कॉलेज है, ये टेस्टिंग कराऊंगा तभी दूंगा मैं। लो भाई टेस्ट कर लो, ये भाई बंदे 4-4:30 बजे से आके बैठे रहते टेस्टिंग के लिए। सोया चंक्स पीछे 3 है भाई। अभी देखो ये अपने एक प्लेट लग रही है, इसमें मैंने वड़ी डाला हूँ एक प्लेट बिना गिने, ये वेजिटेबल डाला हूँ और ये हाका नूडल डाला हूँ। अब ये सलाद हरा प्याज 100 रुपए भी रहेगा या 200 रुपए रहेगा तो भी जाएगा। अच्छा, और ये मसाले, और ये हमारे मंचूरियंस के बॉल है, 1 प्लेट 30 रुपीस, 6 बॉल जाएगा 30 रुपए में, 6 बॉल। हाँ, 6 बॉल जाएगा। क्या बात। और कॉम्बो में हाफ मंचूरियन हाफ नूडल्स वेजिटेबल और हाका नूडल्स, वो 30 रुपीस की प्लेट बनेंगे, अभी देख लेना आप। वाह, लो भाई ये किसकी है, कितनी प्लेट है भाई आपकी? 3 प्लेट है, ये देखो सोया चंक्स। हाँ भाई बिल्कुल लीजिए। चलो पहले से ही नंबर लगा के बैठे हुए। हाँ हाँ, ये 5 बजे से आए हुए भैया, ये बनेगा निपट जाएगा भाई। हाँ भाई, ये कहीं बनता नहीं ना आइटम भाई। हाँ भाई, ये भाई हमारे अमरावती से आए हैं, ये खाने के लिए बस। हाँ, 150 किलोमीटर बस खाने के लिए आप आए हैं, टेस्ट के लिए। ये भैया आज देखना है सतीश भैया है क्या भाई। भैया लोग का प्यार है मेरे भाई, ये भाई लोग का प्यार है और कुछ नहीं है, और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। लो भाई ये आपकी कौन कितनी प्लेट है पीछे? दो ही बनाता। क्या नाम है इसका? कॉम्बो कॉम्बो कॉम्बो। अच्छा, अरे मसाले का नाम भी मैंने दिया हूँ, फ्रैंकी मसाला। फ्रैंकी मसाला, ये एक मसाला और ये मसाला, ये दोनों में फ्रैंकी है, फ्रेंड है दोनों। जैसे आप सबसे फ्रैंक है उसी तरह से मसाला फ्रैंकी मसाला है। इसमें 4 मसाला, इसमें मैंने आपको बता दिया, मैगी पास्ता पिज्जा और पेरी पेरी, 4 आइटम मसाले मिक्स करना है। अच्छा, ये कस्टमर के टेबल पे रहता हो, जितना मन उतना डाल ले बस। सोयाबीन ऑयल है भाई। अच्छा, किंग का डब्बा 15 kg का, नहीं भाई पीछे रख दो अभी का। क्या भैया जो है वो आपके सामने है, झूठ बोलना आता नहीं और धोखा करना आता नहीं, जो है नीड एंड क्लीन, जो चीज़ वापरूंगा वही बताऊंगा मेरे भाई। ऐसा नहीं कि चिंग्स कंपनी की बॉटल में मैं डाल के आपको दूसरी बॉटल डाल के दे दूंगा, नहीं, जो मैं वापरता वही बताऊंगा। अब ये चिली गई, ये गया ऑनियन, ये गई शिमला। अच्छा, आज बीट बहुत काटा के सुन भाई, ये बीट रूट गाजर। अब ये बन रहा नूडल्स, तवा नूडल्स। गाढ़ा होगा क्या, निकाल लो, चला लो उसको, बस 5 मिनट ज़्यादा। दो प्लेट है? हाँ हाँ, कॉम्बो दे रहा हूँ। यस बॉस, 3 प्लेट कॉम्बो। अभी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, वैसे तो चॉपिंग करके जाता है, तो मेरे पास समय नहीं है तो तभीर तो हम लोग को दिख ही रहा है, बन जाएगा ना, रेडी होगा ना। इतने क्वांटिटी में कैबेज जाता है? हाँ, और वो कैबेज आप ढूंढ लेना उस मेरे नूडल्स में। हाँ, नहीं मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, अपन खिला रहे वेजिटेबल नूडल्स। अच्छा, इतनी वेजिटेबल तो कोई चाइनीज वाला भी नहीं डालता होगा, जितनी मैंने पहले आपके डाल दिया, ऑनियन बीटरूट गाजर शिमला। और ये हमारे भाई है छोटे, सोनू भाई, और ये बनाते हैं क्रिप्सी वेज, वेज मंचूरियन और रोल, अभी नया स्टार्ट चालू करा है। सोनू भाई का चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे बुलाइए, आ जाओ नीचे सोनू भाई। हाँ, अब इनका चेहरा आया कैमरे में आप क्या क्या बनाते हैं? सब आप बनाते हैं? हाँ, आप कॉम्बो के मास्टर? अपन कॉम्बो है, ये अभी 3 महीने हो गए भाई है। अच्छा, मस्त बनाते हैं, टेस्ट पसंद नहीं आया तो टेबल पे छोड़ के जाना। अच्छा, 50 रुपए के 100 अपन देंगे, गवर्नमेंट 14 साल में डबल करती है, अपन 14 मिनट में डबल करेंगे भाई। क्या बात है।
किसी को भी पैसा डबल करवाना है तो आके यार बिल्कुल और नहीं पसंद आया तो टेबल पे छोड़ना, सिर्फ स्माइल करके जाना भैया पसंद नहीं है। अच्छा, बाकी पैसे अपन दे देंगे। हैदराबाद से आए और ये क्या बोलते हैं पटना से आए? पटना से आए, ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है भाई। अच्छा, आप लोग रेगुलरली खाते हैं इधर? ये कितना भाई? अच्छा लगता है। क्या लिए? ठीक है, एक सोया चंक्स 30। ठीक, ये भाई नमक थोड़ा कम कर देना, और सुन भाई बहुत ज़्यादा ग्रेवी है। आराम से ले, पूरा गंजा भर दे उसको। ये मसाले, ठीक है, जबकि मसाले ऑलरेडी जाते नहीं चाइनीज में, सिर्फ अपन डालते हैं। कोई भी मसाला आपका सीक्रेट नहीं है? कोई है ही नहीं ना भैया, मेरे को भी बताओ, मैं भी देखूंगा डाल के भैया, ये सीक्रेट मसाला है भैया। दही भल्ले में या दही वड़े में भी जीरा भूंज के रखते हैं, काली मिर्च लौंग थोड़ा कलमी भूंज के रख दो, मसाला डब्बी में डाल दो भैया, मेरे दिल्ली में यही चलता है सबसे ज्यादा। ये मेरा सीक्रेट मसाला है। सीक्रेट मसाला है ये। अरे यार सीक्रेट होता क्या है? सीक्रेट वो होता है जैसा भी बच्चा इंजीनियर करा, उसने कोई चीज बनाया खुद की, उसको सीक्रेट बोला जाता है, कि कोई दो कॉपी करा नहीं हो वो, उसको बोला जाता सीक्रेट। जो इन्वेंशन करा उसको सीक्रेट बोला जाता, भैया मैंने करा हूँ। ये तो इंडिया दे रहा है आपको और आप बोलते सीक्रेट है, और मेरा काम है उजागर करना। अपन ने पांचवी क्लास में पढ़े थे भाई, मसाले इंडिया के लिए प्रसिद्ध है, एक्सपोर्ट करते अपन, आज तक भूले नहीं उस बात। और क्या, ये डाल देगा, ये वेज मंचूरियन जा रहा है, अब बनेगा कॉम्बो। अच्छा, इधर बन रहा है नूडल्स और इधर बन रहा है मंचूरियन। मंचूरियन राइस बन चुका है, अगर राइस कॉम्बो चाहिए राइस कॉम्बो, नूडल्स कॉम्बो चाहिए नूडल्स कॉम्बो। रेट दोनों का सेम है? सेम, 30 रुपीज प्लेट है, प्लेन लो या कॉम्बो लो, जिसको अगर नूडल्स अलग खाना है मंचूरियन अलग खाना है वो अलग ले सकता है। कैबेज तो मेरे को दिख नहीं रही है, सारा कैबेज आपका गल गया, इसलिए तो ये भीड़ है ना भाई, पीछे देख लो आप। पुष्पा आई थी, वो बोलता है मैं फायर हूँ, ठीक है, और अपन पुष्पा नहीं है, अपन सत्या फ्लावर है, अपन खिलाने में बिलीव करते भाई। अब ये देखो, ये हाफ नूडल्स लग गए मेरे भाई, अब इसमें हाफ मंचूरियन जाएंगे ग्रेवी के साथ, ठीक है। भाई सभी कॉम्बो वाले ना, और इसका रेट है सिर्फ 30 रुपए, ओनली 30 रुपीज मेरे भाई। अगर ये 30 रुपीज प्लेट में कोई देगा उसके लिए वन प्लेट वन पर्सन वन ईयर फ्री भाई। अच्छा, यस बॉस, और ये बनेंगी टेबल पे और निपट जाएगी भाई। पीछे तो क्राउड है, वो आप देख सकते हैं कितने लोग का भीड़ है, चारों तरफ आपको बस लोग ही लोग दिखेंगे। क्राउड है वो देख सकते हैं, लोगों का भीड़ जो देख सकते हैं, वो कॉम्बो बना है और तुरंत खत्म। एक है ये ले लो भाई, चम्मच पीछे, यू टर्न करो चम्मच पीछे, दादा बिल्कुल बिल्कुल, भीड़ जितना लग नहीं रहा कि बच पाएगा भाई। कॉम्बो कितनी है अंकल? आप थोड़ा पीछे जाओ ना, उनको लेने दो कॉम्बो, पार्सल देता मैं। हाँ, आपकी कितनी है भाई? उठाओ, एक दो तीन, आपके उठा लो, उठा लो भाई। किसकी कॉम्बो? कॉम्बो है, अच्छा राइस कॉम्बो है, याद देखो ये राइस कॉम्बो बन रहा है भैया, हमेशा यही क्राउड रहता है इसी तरीके का। यही ये है राइस कॉम्बो, अब ये वेज मंचूरियन भैया ने दिया सोनू भाई ने, वो भी 30 रुपीज प्लेट है, ठीक है। अब इसमें भी सलाद और हाका नूडल जाएगा, देखो। हाँ ये देखो, ये 30 रुपीज की वेज मंचूरियन है। अच्छा, ये राइस कॉम्बो किसका था? आपका। तो बस इसी भीड़ में जगह बना के हम लोग भी ट्राई करते हैं जल्दी से, और जो टेस्ट है आपको खाते हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, इससे पहले किसी वेज स्टॉल पर इतना ज्यादा भीड़ हम देखे नहीं है। अब ये खत्म भी हो गया, ये मंचूरियन देख लो, वही वही डाला है वो खत्म हो गया, ये राइस कॉम्बो जस्ट बना, जस्ट खत्म हो गया। ये आप लोग का प्यार है मेरे भाई और अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। और दो राइस कॉम्बो इधर आ चुका है हमारा, बहुत ही ज्यादा वायरल वाला कॉम्बो, सिर्फ 30 रुपए का ये कॉम्बो है। तीन मंचूरियन मिला है, नूडल्स मिला है, ऊपर से जितना भी ये फ्राइड नूडल्स है आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, ऐसा सिस्टम है यहाँ का। वेजीज वगैरह हो गया या फ्राइड नूडल्स हो गया, जितना मन उतना डालिए। और जो क्राउड है इधर देखिए, इस तरीके का जो दीवानगी, इस तरीके का क्राउड शायद ही कभी कहीं देखने को मिलता होगा, वो भी वेज स्पॉट पर, इस लेवल का क्राउड। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि स्वाद भी अच्छा है या सिर्फ कम रेट में है इस वजह से इतना क्राउड है। नागपुर के हर खाने की तरह इसमें भी मसाला पूरा दिल खोल के डाला गया है, कोई कमी नहीं रखा गया मसाले को डालने में।
एक और जो इसमें एक्स फैक्टर है जो कि अलग कर रहा है इसे बाकी जगहों से, वो ये जो फ्राइड नूडल्स डाला गया है वो, ये हल्का सा जो क्रंच है वो प्रोवाइड करेगा आपको। तो ये कुछ अलग सा चीज़ लगा इस तरीके से फ्राइड नूडल्स डालना। अब एक मंचूरियन का बॉल ट्राई किया जाए। मंचूरियन का टेस्ट या नूडल्स का टेस्ट हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा आपको कहीं और मिल नहीं सकता, जो टेस्ट होता है यूजुअली चाइनीज़ का टेस्ट वही है। डिफरेंट क्या है, प्राइस बहुत कम, प्लस ये जो फ्राइड नूडल्स दे रहे हैं ये थोड़ा अलग सा टेस्ट प्रोवाइड करा, हल्का सा क्रंच प्रोवाइड करा वो अलग है। ओवरऑल टेस्ट जो है वो अच्छा है और 30 रुपये के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। तो नागपुर में कभी भी आते हैं आगे ट्राई कीजिए, और सबसे वाले भैया से बात करके आपका दिल खुश हो जाएगा, इतने प्यार से बनाते हैं, इतने दिल से खिलाते हैं और इतना ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। खत्म करते हैं वीडियो, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।